पेट्रोलियम एंड नेचुरल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें अगर हमारी सरकार ने जो ईंधन की सप्लाई है वो बिना किसी बाधा के कोविड 19 के दौरान भी जारी रखी है। कोविड 19 के दौरान ईंधन की सप्लाई में बाधा नहीं आने दी और टेकिंग नोट ऑफ द क्रूशियल नेचर ऑफ दिस ये बहुत ही अहम जरूरी सेक्टर है, बहुत ही अहम सेक्टर है। हम कुछ जरूरी शुरुआत कर रहे हैं, जरूरी योजनाओं का आगाज कर रहे हैं। पहला उज्ज्वला स्कीम जिससे कि 8 करोड़ घरों को फायदा मिला है, इसको इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और 1 करोड़ और इसमें लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लोगों को जोड़ा जाएगा, 100 और जिलों को अगले 3 साल में जोड़ा जाएगा, शहरी गैस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, वहां पर एक गैस पाइपलाइन की योजना लागू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लागू को प्रस्तावित किया जा रहा है, हम इसकी स्थापना करेंगे। कोऑर्डिनेशन ऑफ बुकिंग ऑफ कॉमन कैरियर कैपेसिटी, कॉमन कैरियर कैपेसिटी होती है ये, इसको सही तरीके से ऑन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन नेचुरल गैस पाइपलाइन की बिना किसी भेदभाव के स्थापित किए जा सके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय जो पूंजी है हम सेबी एक्ट 1992 एक्ट को बेहतर करना चाहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007 को और बेहतर तरीके से हम लागू करेंगे। द गवर्नमेंट वुड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब बनाने को लेकर समर्थन देगी, स्थापित करने में मदद करेगी। टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंगस्ट द पार्टिसिपेंट्स, इसमें जो भी भागीदार हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को भरोसा दिलाने के लिए और दूसरे स्तर की मार्केट लिक्विडिटी बनाने के लिए एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की हम आगे बढ़ेंगे। डेट सिक्योरिटी एंड नॉर्मल टाइम्स एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, ये स्थापित किया जाएगा ताकि मुश्किल स्थिति में और सामान्य स्थिति में भी बॉन्ड मार्केट को कोई समस्या ना हो। 2018 में हमने मंशा जताई थी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कि गोल्ड एक्सचेंज के लिए रेगुलेटेड सिस्टम बनाया जाएगा और सेबी इसके लिए नियामक होगा और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को मजबूत किया जाएगा ताकि एक ऐसा कमोडिटी मार्केट स्थापित किया जा सके जिसमें कि वॉल्टिंग लॉजिस्टिक वगैरह भी अच्छे तरीके से उपलब्ध कराया जा सके ताकि गोदाम की सुविधाएं बेहतर हों। आई प्रपोज टू इंट्रोड्यूस एन इन्वेस्टर चार्टर, और निवेशकों की को सुरक्षा मिलने के लिए हम एक नया उपाय प्रस्तुत कर रहे हैं, जितने भी वित्तीय उत्पाद हैं उनमें ये सुरक्षा उपलब्ध करेगी और गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में 1000 करोड़ हम प्रस्तावित करते हैं ताकि सौर ऊर्जा कॉरपोरेशन को ये पैसे मिले और सौर ऊर्जा को आगे बढ़े। 1005 करोड़ भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी पोर्ट को दिया जाएगा।